सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो हमारा बैंजो बॉक्स पार्ट 2 के ऊपर रहने वाला है। बैंजो बॉक्स पार्ट 1 में हमने बैंजो का पूरा बॉक्स का स्केलेटन बना के रखा हुआ था। अगर आपने वीडियो देखा नहीं होगा तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम पूरा बैंजो बॉक्स का एसेसरीज लगाने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले हम वेट का क्लॉथ लगाने वाले हैं हमारे बैंजो बॉक्स के लिए, तो उसका सेटिंग पहले कर लेते हैं। तो गाइस ये वाला वो कपड़ा रहने वाला है, वो वेलवेट का पूरा हमने चॉइस किया हुआ है, तो इसको प्रॉपर कट करके हमारे बॉक्स के अंदर लगाने वाले हैं। तो गाइस ये वाला हमारा बैंजो का बॉक्स है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे रेड कलर का कारपेट, ये वाला जो आपको मैंने अभी बताया वो वाला लगाने वाले हैं। यहाँ पे भी वो पूरी तरीके से कवर होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। दोनों साइड के वेलवेट जो है उसको प्रॉपरली कट करके ले लिया है, तो अभी हम यहाँ पे रख के देखते हैं वो किस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये कितना अच्छा दिख रहा है, इसका गेटअप जो है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो गाइस अभी यहाँ पे हमने इसको पूरा ब्लैक करने का डिसाइड कर लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एशियन पेंट्स का ये जो ब्लैक कलर है वो हम लोग इसके ऊपर मारने वाले, तो वो प्रोसेस में अभी करता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ। Two hours later. तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये पूरा कलर कर दिया है, तो सेंटर में हमने कलर इसलिए नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे हमारा जो वेलवेट का कपड़ा है वो आने वाला है, तो वो आने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है और जो सेंटर का पैच है वो भी छुपने वाला है। तो हमने यहाँ पे अभी इसे धूप में सूखने के लिए रख दिया है, कलर कर लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो सूख भी गया है। 4 घंटा हमने उसे धूप में रख दिया था। तो अभी हम सारे एसेसरीज है वो बैंजो के बॉक्स के ऊपर रिटर्न चिपका लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा हमने ब्लैक कलर कर दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक हो गया है। हमारा जो वेलवेट का कपड़ा है वो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे ये वाला जो कारपेट है वो पूरी तरीके से चिपका लेते हैं। यहाँ पे हमारा बॉक्स अभी रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो अंदर की साइड में हमने पूरी तरीके से वेलवेट लगा दिया है, और ये वाला जो चेन है वो सपोर्ट के लिए लगाया हुआ है दोनों तरफ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर के साइड से भी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हमारा बॉक्स जो है वो लग के आ रहा है। तो अभी हम इसमें हमारा बैंजो रख के देखते हैं। यहाँ पे आप अभी देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बैंजो भी हमारा फिट हो चुका है और हमारा बॉक्स भी एकदम फिनिश कंडीशन में। इस तरह का ये जो कड़ी है वो लगाया हुआ है हमारे पेटी के लिए, और यहाँ पे सेंटर में एक हैंडल भी लगा दिया है ताकि वो कैरी करने के लिए आसानी हो। और इस तरफ भी आप देख सकते हो ये वाला जो लॉक है वो हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी के लिए एक अपना सेपरेट लॉक जो आता है की लॉक वो भी लगा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारा ये बॉक्स बन गया, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे बॉक्स बंद करने के बाद आप ऊपर का भी लुक देख सकते हो, फिनिशिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो भाई जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में हमने बैंजो का बॉक्स भी घर पे ही बना लिया है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको बैंजो का बॉक्स कैसे लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिसकी मदद से आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो अगले वीडियो में ऐसे कुछ बैंजो रिलेटेड वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे।